आइए पढ़ते हैं कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, रह रह जाती हो, अर्थात बोलते बोलते रुक जाना। कोकिला, कोकिल किसे कहते हैं? कोयल को। कवि, जेल में बंद कवि कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बताओ इसके पीछे क्या वजह है। अपने गीतों के माध्यम से तुम किसी का संदेशा लाई हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल तुम अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो, कोयल तुम यह बोलकर मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। कवि कैदी रूप में कोयल से कहता है, हे कोयल, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। डेरा अर्थात आवास, बटमार बट यानी रास्ता, बाट कहते हैं ना, बाट देख रहा हूँ, राह में यात्रियों को लूटने वाले लोगों को बटमार कहते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कवि कहता है कि हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ खाने के लिए भरपेट भोजन भी हमें नहीं दिया जाता। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन, नरक तुल्य जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। जेल में तैनात जो अंग्रेज कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं, ये हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। दिन रात हम पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, चौकसी पाबंदियां हम पर रहती है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसे शासन कहें या घोर अन्याय, इसे शासन कहें या घोर अन्याय, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, भय और संतरास की स्थितियां ही दिखाई दे रही है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली। हिमकर, हिमकर किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। काली माँ मई यानी काले रंग वाली, आली
आली अर्थात सखी, इस समय इस अर्धरात्रि में चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, हिम कर निराश कर चला। रात भी काली चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। हे सखी आली अर्थात सखी, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हे सखी, इस काली माँ पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है? तो यहाँ प्रश्न जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? कवि कहाँ रहकर कोयल से बातें कर रहा है और क्यों? कवि की रचनाएं एक और देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना पनपा रही है, तो दूसरी ओर वह स्वयं भी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कारण अंग्रेज़ों ने उसे जेल में डाल दिया है, इसलिए वह जेल में रहकर कोयल से बातें कर रहा है। पराधीन भारत की जेलों में स्वाधीनता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, जो प्रश्न बन सकता है। तो पराधीन भारत में जेलों में स्वाधीनता सेनानियों को चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था तथा बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें हमेशा शक की दृष्टि से देखा जाता था। कोयल की कूक में कवि संदेश होने का अनुमान क्यों लगा रहा है? हर समय दिन में मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल अर्धरात्रि में करुण क्रंदन करती है और उस करुण क्रंदन को करते सुनकर कवि को लगता है कि वह ऐसमय कूक कर कोई संदेशा अवश्य ही देना चाहती है। एक बिल्कुल साधारण सा जो प्रश्न बनता है, कवि और कविता का नाम लिखिए, तो कविता का नाम कैदी और कोकिला, कवि का नाम या रचनाकार का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। कवि कोयल से क्या पूछता है? कवि कोयल से पूछता है कि वह असमय क्यों बोल रही है? क्या वह कवि के लिए किसी स्वाधीनता सेनानी का संदेश लाई है? जीवन पर कड़ा पहरा है, इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि परतंत्र भारत में स्वाधीनता सेनानियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था। इस तरह से न उन्हें ढंग से मरने देते थे, न ढंग से जीने देते थे। इस समय काली माँ मई में किस समय की ओर संकेत किया गया है? एक प्रश्न जो है वो ये भी बन सकता है। तो इस समय काली माँ मई के माध्यम से रात के घने अंधकार अर्थात अंग्रेज़ों के काले कारनामों तथा अत्याचारपूर्ण समय की ओर संकेत किया गया है। भाषा कौन सी है? भाषा जो है तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी का ही एक रूप है। तत्सम संस्कृत के वे मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में होता है जिस रूप में संस्कृत में होता है। इसी प्रकार कवि अगले पद में कहता है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हूक पड़ी, हूक अर्थात चीखना, दर्द भरी आवाज में बोलना। वेदना, वेदना अर्थात पीड़ा। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कारागार में बंद कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया? तुम्हारा
क्या लूट लिया गया? तुम बोलो, बोलकर मुझे बताओ, तुम इस आधी रात में पागलों की तरह क्यों चीखी हो? कोयल, कुछ बताओ तो सही। यहाँ एक प्रश्न बन सकता है, कवि को कोयल की वाणी वेदनापूर्ण क्यों लग रही है? कवि को कोयल की वाणी वेदनापूर्ण इसलिए लग रही है क्योंकि दिन के समय मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल आधी रात में क्रंदन कर रही है, इसलिए कवि को ऐसा लग रहा है।